ग्यारसपुर में गौ सेवकों ने गोरक्षा के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। DNA 24X7 के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। आज ग्यारसपुर में दर्जनों गौ सेवकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, सरकार जिस प्रकार हर ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण करवा रही है, वो गौशाला निर्माण काफी धीमी गति से काम चल रहा है। तेज गति से काम किया जाए, जिससे सड़कों पर गौ माताएं बेमौत ना मारी जाए। हर दिन गौ माता हादसों का शिकार हो रही है और काल के गाल में समा रही है। जो भी गाय सड़कों पर घूम रही है, उनको तुरंत गौशाला भिजवाया जाए, जिससे वह सड़कों पर बेमौत ना मारी जाए। हरिओम ठाकुर, गौ सेवक। कई दिनों से गायों की नृत्य दुर्घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिले, कई ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश भी दिया था कि गौशाला का, मगर वो जब तक सरकार को सचेत नहीं करेंगे तो सरकार सोती रहेगी। कई दिनों तक देख रहा हूं कि गौशाला का निर्माण हो तो रहा है, मगर सरकार ने 27,71,000 का फंड भी दिया है, मगर कई ग्रामीण क्षेत्र में गौशाला का मद्दा काम हो रहा है और भद्दा भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिव से लेकर सरपंच तक खा रहे हैं। उसमें गौशाला का रुपये भी इस तरह बहा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह गौशाला का निर्माण होना चाहिए, उस तरह होना हो नहीं रहा है। गौ सेवा क्रांति समिति, मेरे अध्यक्ष महोदय अभिषेक भार्गव जी, मेरे उपाध्यक्ष महोदय मेरे सौरभ राजपूत जी, सचिव महोदय अभिषेक आनंद दांगी जी, हमारे अभिषेक दांगी जी और समस्त यहाँ टीम है, हमारे उप सचिव सौरभ रघुवंशी जी, ब्रजमोहन रघुवंशी जी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, पदाधिकारीगण। मैं माननीय मुख्यमंत्री सर जी भी आग्रह करूँगा कि जिस तरह गौशाला का निर्माण नहीं हो रहा है, उसे जल्द से जल्द हर ग्रामीण क्षेत्र में गौशाला बनाई जाए, सुविधाएं दी जाए। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं घूस चल रही है, और आप देख रहे हैं किस तरह मध्य प्रदेश सरकार